अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिस सोनिया, लेक्चर नंबर 2. आई एम मिस सोनिया फ्रॉम विजुअलिज्म स्कूल. नाउ टुडे वी विल रीड लेसन नंबर 2, अ डायलॉग. इस लेसन में कासिम और उसके चचा जान आपस में एक दूसरे के साथ उनका डायलॉग होता है, वो बात करते हैं. कासिम उससे चचा जान पूछते हैं कि तुम कहाँ हो. तो उसके बाद हमारी मुलाकात बहुत तवील अरसे के बाद हो रही है. तो चचा जान उसको कासिम बताते हैं कि वो सऊदी अरब गया हुआ था, अभी अभी वापस आया है. तो फिर चचा जान उससे पूछते हैं कि वो क्यों गया हुआ था सऊदी अरब. तो बताता है क्योंकि वहाँ पे फादर जॉब करते हैं और मदर भी बहुत बीमार थी, इसलिए वो वहाँ पर गया हुआ. उसके बाद चचा जान उससे उसकी स्टडीज़ के मतलब पूछते हैं. तो कासिम बताता है कि वो साइंस में तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके इंग्लिश और मैथ से कुछ लेक्चर मिस हुए हैं, इसलिए उसको वो सब्जेक्ट टफ लग रहे हैं. और फिर वो बताते हैं कि लेकिन अब ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, क्योंकि उसका जो भाई है, वो जो उसके बड़े भाई हैं, वो टीचर है और वो उन सब्जेक्ट्स में उसकी हेल्प कर रहे हैं. फिर चचा जान उसको इंग्लिश की लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताते हैं कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और ये साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है और इंग्लिश में हम लोगों को अच्छा होना चाहिए. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, वर्ड्स मीनिंग. पर्टिकुलरली खास तौर पे हेयर सुनना, रिकवर सेहत याद होना, रीओपन दोबारा खुलना, वेकेशन छुट्टियाँ, डेफिशिएंसी कमी, वरीड परेशान, इमीडिएटली फॉरन, हाउएवर ताहम, एग्रीकल्चर ज़रा. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट, ट्रांसलेट इन टू उर्दू. कासिम अस्सलाम वालेकुम अंकल. कासिम अस्सलाम वालेकुम चचा जान. अंकल वालेकुम सलाम. अंकल कहते हैं वालेकुम सलाम. वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे. कासिम वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे के बाद मिल रहे हैं. कासिम आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया, मैं सऊदी अरेबिया में था. अंकल आई हैव जस्ट कम बैक, मैं अभी वापस आया. अंकल चचा जान व्हाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया, तुम सऊदी अरेबिया क्यों गए थे. कासिम यू नो फादर इज़ डूइंग अ जॉब, आप तो जानते हैं कि फादर जॉब कर रहे थे. एंड मदर इज़ डियर टू, और मदर भी वहीं थी और वो वहाँ बीमार थी, खासतौर पर मैं इसलिए भी वहाँ पर गया था. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2. कासिम वी हैव नियरली फिनिश्ड अवर साइंस कोर्स, हमने अपना साइंस का कोर्स तकरीबन ख़त्म कर लिया. ओनली अ फ्यू चैप्टर आर लेफ्ट, कुछ बात रह गए हैं. आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस, मैं साइंस के लिए ज़्यादा परेशान नहीं हूँ. माई रियल वरी इज़ डैट, मेरी जो हकीकत परेशानी है. आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन इन इंग्लिश एंड मैथ, मैंने इंग्लिश और मैथ के बहुत से लेसन मिस किए हैं. आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रेदर टफ एंड दे आर इम्पॉर्टेंट, मुझे ये दो मजबूत मुश्किल लग रहे हैं और ये अहम भी है. बट आई एम ग्लैड डैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दिस सब्जेक्ट, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे भाई इसमें मेरी मदद कर रहे हैं. माई ब्रदर इज़ टीचर, नाना मेरे भाई एक उस्ताद है, यू नो, एंड ही हैज़ टॉट दिस सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ ईयर्स, और वो कई सालों से ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, व्हाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया. कासिम सऊदी अरेबिया क्यों गया. कासिम वेंट टू सऊदी अरेबिया टू सी हिज पेरेंट्स, पर्टिकुलरली हिज मदर हू वाज़. वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उसकी मदर जो है वो बीमार होती है. व्हाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया. कासिम सऊदी अरेबिया से क्यों वापस आते हैं. कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू अटेंड हिज क्लास रेगुलरली एंड हिज एग्जाम्स वेयर नॉट द फॉल. वो इसलिए वापस आते हैं कि उसने अपनी क्लासेज अटेंड करनी होती है, उसके जो एग्जाम है वो ज़्यादा दूर नहीं होते. एट क्लास नॉर्मली नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड टू सब्जेक्ट्स कासिम फाइंड टफ, उसे कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लगते हैं. कासिम फाइंड इंग्लिश एंड मैथ्स ज़्यादा टफ, उसे इंग्लिश और मैथ्स ज़्यादा टफ लगते हैं. वट हैज़ कासिम डिसाइड टू ऑफ स्टडीज, ने कासिम ने क्या डिसाइड किया होता है कि अपनी स्टडीज़ के बाद क्या करेगा. ही डिसाइड डेट इफ ही गेट गुड मार्क्स ही विल ज्वाइन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, अदरवाइज ही मे गो इन टू बिजनेस एंड एग्रीकल्चर. वो डिसाइड करता है कि उसके अच्छे मार्क्स आए तो वो मेडिसिन की फील्ड में जाएगा, अदरवाइज वो बिजनेस या एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज कासिम अंकल थिंक दैट ओवर इंग्लिश हैज़ नॉट बी गुड, हैज़ टू बी गुड. उसके अंकल क्यों ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. बिकॉज इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट्स वाई ओवर इंग्लिश मस्ट बी गुड. क्योंकि वो कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और वो साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है, इसलिए हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. वर्ड वर्ड इज़ यूज, टीक जो हमें पढ़ाता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं. टीचर जो खरीदता है बाय करता है उसे क्या कहेंगे, बाय. वन हु सेल और जो खरीदता है सॉरी बेचता है उसे क्या कहेंगे, सेलर. वन हु एक्ट और जो एक्टिंग करता है उसे बोलेंगे एक्टर. वन हु प्लेस जो प्लेस करता है उसे बोलेंगे प्लेयर. वन हु ऑपरेट्स जो ऑपरेट्स करता है उसे बोलेंगे ऑपरेटर. वन हु सिंग्स जो सिंगिंग करेगा उसको हम कहेंगे सिंगर. वन हु राइट्स जो लिखता है उसको बोलेंगे राइटर. वन हु रीड्स जो पढ़ता है उसे कहेंगे रीडर. एंड वन हु लाइज झूठ बोलता है उसे बोलेंगे लाइ. थैंक, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़. 8 क्लास.